नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जानेंगे कि सिंह लग्न और सिंह राशि वालों का आने वाला 2024 में जनवरी, फरवरी और मार्च ये 90 दिन कैसे रहने वाले हैं। बहुत से लोगों की शिकायत है कि परेशानी से पूरा साल बीता हुआ है, अब आगे क्या होगा। तो जानते हैं कैसा रहेगा इन 90 दिनों में आपका स्वास्थ्य, प्रेम, वैवाहिक जीवन, शिक्षा, संतान, आर्थिक स्थिति आदि। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह जो मैं राशिफल बता रहा हूं, यह आप अपने लग्न कुंडली पर लगा करके देखिए। अगर लग्न कुंडली नहीं है तो सेकंड नंबर आप अपने राशि के अनुसार भी देख सकते हो, चंद्र राशि के अनुसार। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझ सकते हो। बहुत से लोग ये कंफ्यूज होंगे कि लग्न और राशि एक कैसे हुई, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपकी मान लिया मेष लग्न है और राशि सिंह है, तो ऐसे में आप क्या करोगे। पहले आप अपने लग्न पे इस गोचर को लगाइए और राशि पे गोचर को लगाइए और दोनों वीडियो आप सुन लीजिए, मेष और सिंह का। अगर दोनों में फल बढ़िया बताया गया है तो रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। दोनों में से एक में खराब बताया गया है, एक में अच्छा बताया गया है, तो रिजल्ट आपको 50-50 मिलने वाला है। अब शुरू करते हैं सिंह वालों का राशिफल। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि आपकी कुंडली में लग्नेश होते हैं सूर्य देवता, और सूर्य देवता का जो मूवमेंट है वो रहेगा आपके पांचवें भाव में, छठे भाव में, सातवें भाव में और आठवें भाव में। इन चार जगहों पे सूर्य गोचर करेंगे जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में। उसके बाद आपकी कुंडली में शनि देवता जो कि बैठे हैं सप्तम भाव में, ये 12 फरवरी से लगा करके 17 मार्च तक अस्त अवस्था में रहेंगे और बाकी इनका गोचर यहीं पर रहेगा। कुंडली में बुध जो आपकी इच्छा पूर्ति के, आमदनी के और धन के मालिक हैं, इनका गोचर धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि में होने वाला है और लास्ट में एक दो दिन ये मेष राशि में जाएंगे। इसके अलावा गुरुदेव बृहस्पति का यथावत गोचर बना रहेगा, ये अस्त भी नहीं होंगे इन तीनों महीने तक, यानी कि भाग्य स्थान में गुरुदेव बृहस्पति संचार करते रहेंगे। और बचे शुक्र देवता, तो शुक्र देवता धनु राशि यानी आपके पंचम भाव में, छठे भाव में, सातवें भाव में और आठवें भाव में शुक्र का मूवमेंट रहने वाला है। यह है प्लेनेटरी पोजीशन। तो सबसे पहले बात करेंगे उन व्यक्तियों की जो लोग नौकरी कर रहे हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए जनवरी, फरवरी का महीना बहुत सुंदर है। खास करके फरवरी के महीने में जो लोग तबादला चाहते हैं अपने नौकरी में, ट्रांसफर चाहते हैं, उनको प्रयत्न करना चाहिए। फरवरी के महीने में उनका ट्रांसफर हो जाएगा, नौकरी में बदलाव के आसार फरवरी के महीने में नजर आ रहे हैं। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तीनों महीने नौकरी आपकी बढ़िया तरीके से चलती हुई नजर आएगी, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। इसके बाद बात करें अगर व्यापारियों के विषय में, तो व्यापार आपका लगातार अच्छा चलता रहेगा। बीच में जब शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन बनेगा 12 फरवरी से लगा करके 17 मार्च के बीच में, जब शनि अस्त रहेंगे, उस समय व्यापार तो आपका बढ़िया चलेगा, लेकिन ये जो मैंने डेट बताई है इसका ध्यान रखिएगा, इस बीच पति पत्नी में वैचारिक मतभेद थोड़ा बहुत हो सकते हैं। बाकी तीनों महीने वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बात करें विद्यार्थियों का करियर कैसा रहेगा, तो भैया विद्यार्थियों के लिए तीनों महीना बढ़िया हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा फरवरी के महीने में हो सकता है थोड़ा विद्यार्थी वर्ग जो है भटकाव अनुभव करें, क्योंकि शुक्र के साथ साथ मंगल का भी कॉम्बिनेशन बनने वाला है आपके बुद्धि स्थान पे, तो प्रेम प्रसंग के चक्कर से थोड़ा बच के यदि आप रहेंगे तो कैरियर में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, निश्चित तौर पर कैरियर आपका बढ़िया चलता रहेगा। इसके अलावा जो प्रेमी जोड़े हैं उनके लिए जो समय की चाल है,
वो तीनों महीना लगातार बढ़िया बनी हुई है, प्रेम में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन विद्यार्थियों को यदि भटकाव अनुभव होता है तो ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करके आप अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि मंत्र आप वैसे भी जप कर सकते हैं अगर भटकाव ना भी महसूस हो, क्योंकि अगर मंत्र आप गुरुदेव का जपेंगे तो लग्न आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा, सही डिसीजन ले पाओगे और समय समय पे भारी मात्रा में मान सम्मान आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा अगर बात करें कि स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा तो लग्नेश कहीं पर पीड़ित अवस्था में नज़र नहीं आ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। मार्च 15 मार्च के बाद जब सूर्य का और राहु का कॉम्बिनेशन बनेगा उस समय थोड़ा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर उस समय स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखोगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और स्वास्थ्य का ध्यान कुछ नहीं रखना है, ओम आदित्याय नमः, आप चाहे जितने बजे भी सो करके उठते हो ये मैटर नहीं करता है, जब भी सो करके उठो, आप बाहर खड़े हो सूर्य देवता के सामने और इस मंत्र का 51 बार भी यदि जप कर लोगे, खास करके मार्च के महीने में, ध्यान रखिएगा मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो स्वास्थ्य आपका डगमगाएगा नहीं, निश्चित तौर पे स्थिति बढ़िया बनते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। अब आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ, आप लोग को यदि वीडियो अच्छी लगा करे तो अपने इष्ट देवता का नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करें, जैसे कि ओम गुरुवे नमः या ओम हनुमते नमः, इस प्रकार का कमेंट कर दिया करिए, इससे थोड़ा वीडियो की रीच बढ़ जाती है, हमारा मनोबल बढ़ जाता है। अगर बात करें भाग्य आपका कितना साथ देगा तो भैया भाग्येश मजबूत अवस्था में है, और दूसरी चीज भाग्य भाव संभाले हुए हैं आपके कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति, तो आपको खुश होना चाहिए कि दैवी कृपा लगातार बनी रहेगी तीनों महीने। इन तीन महीनों में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, निरंतर भाग्य आपका साथ देता रहेगा, जिसके प्रभाव से अगर आप यात्रा करोगे तो यात्राओं में भी आपको लाभप्रद स्थिति इन तीनों महीनों में बनते हुए दिखाई पड़ेगी। किसी भी प्रकार का यदि नया व्यापार काम आप शुरू करना चाहते हो, साइड बिजनेस वगैरह, तो जिस तारीख में को मैंने बताया है, जो पिछले मैंने अभी डेट बताई है कि शनि अस्त रहेंगे, उन तारीखों को छोड़ करके आप कभी भी नया व्यवसाय यदि शुरू करोगे निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। इन तीन महीनों में यानी कि जनवरी फरवरी मार्च में सभी सिंह लग्न और सिंह राशि वालों को संतान से संबंधित शुभ समाचार की प्राप्ति मिल जाने का भी योग दिखाई पड़ रहा है। अगर आपके संतान नहीं है या संतान से वैचारिक मतभेद हैं तो वैचारिक मतभेद दूर हो जाएंगे, और यदि संतान प्राप्ति की आप इच्छा लिए हुए हो तो इस पीरियड में आप प्रयास करिए, संतान प्राप्ति के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं, ये कामना आपकी पूरी होते हुए दिखाई पड़ेगी। अगर आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं, कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमे में आप फंसे हुए हो, तो मान के चलिए आने वाला जो समय है निश्चित तौर पे इस फील्ड में आपको राहत दिलाने वाला रहेगा, कहीं ना कहीं इन सब मामलों से आप बाहर आते हुए दिखाई पड़ोगे, क्योंकि सूर्य और मंगल दो ग्रह बैठ करके आपके शत्रुओं का अंत करने के लिए तत्पर हैं। शुरुआत में सूर्य देवता आपके छठे भाव में बैठे रहेंगे तो शत्रुओं का अंत करेंगे, और सूर्य के हटते ही मंगल वहां पर विराजमान हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको के लिए बचाव का काम ये करने वाले हैं। जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो आने वाले तीन महीने हैं ये आपके लिए बढ़िया हैं, चाहे लंबे समय के लिए निवेश करते हो चाहे छोटे समय के लिए, स्थितियां आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। जो लोग मकान वाहन प्रॉपर्टी वगैरह सेल करना चाहते हैं उनके लिए भी स्थिति बहुत बढ़िया है, और जो लोग जमीन जायदाद से जुड़ करके किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम हो, चाहे खेती का काम हो, चाहे प्लाट या फ्लैट बेचने का
खरीदारी का काम हो, आर्थिक स्थिति इस मामले में उनकी बहुत ज्यादा मजबूत रहने वाली है। थोड़ा दोष एक ही दिखाई पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं वाणी दोष बना हुआ है। वाणी संभाल करके आप प्रयोग करिएगा, अन्यथा कहीं अपनों से मतभेद आप कर बैठोगे, ऐसे योग भी दिख रहे हैं। बाकी अगर आमदनी की बात करें तो आमदनी के मालिक हैं आपकी कुंडली में बुध देवता, और बुध देवता का लंबे समय तक गोचर होने जा रहा है धनु राशि में, यानी कि आपके पांचवें स्थान में। अगर आप इच्छा पूर्ति के भाव से काउंट करोगे तो सातवें बैठे हैं, सब सप्तम का योग बना रहे हैं। धन स्थान से काउंट करोगे तो 4-10 का संबंध बना रहे हैं। तो आने वाले समय में जनवरी और फरवरी ये दो महीने जबरदस्त तरीके से आपको लाभ होगा, और मार्च में जबरदस्त तो नहीं कह सकते हैं लेकिन लाभ की स्थिति मार्च में भी आपके लिए बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही है। यानी कि पैसा लगातार आपके पास आएगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कैरियर बढ़िया रहेगा, भाग्य प्रेम सब अच्छा रहेगा। लेकिन जो तारीखें मैंने बीच में बताई हैं और जो उपाय मैंने बताए हैं आपको, एक सूर्य देवता का, एक गुरु देवता का, इनके उपाय यदि आप समय समय पर करते रहोगे तो आने वाला समय आपके लिए सुनहरा पल होने वाला है। वीडियो को लाइक करिएगा। कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।